रिस्ट वॉचेस सबको पसंद है, फिर चाहे वो मेंस वॉच हो या लेडीज वॉच। बट क्या आप जानते हैं इन वॉचेस के पार्ट्स को क्या कहा जाता है? चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं। मेरा नाम है पंकज, आपका स्वागत करता हूँ वॉच ज्ञान पर। शुरू करते हैं मूवमेंट से। वॉच की कारीगरी, वॉच का रियल वैल्यू मूवमेंट से ही बनता है। मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट्स और क्वार्ट्स मूवमेंट। मूवमेंट्स को कैलिबर भी कहा जाता है। क्वार्ट्स मूवमेंट बैटरी सेल से पावर ऑन होता है। पहली बार 1960s में क्वार्ट्स मूवमेंट्स को डेवलप किया गया था। आज के मार्केट में 98% वॉचेस जो है उनमें क्वार्ट्स मूवमेंट लगा हुआ है। मैकेनिकल मूवमेंट में दो कैटेगरी है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल मूवमेंट आपको हाथ से वाइंड करके चलाना होता है। अगर आप मैनुअल मूवमेंट वाले वॉच को नहीं पहनेंगे तो वो नहीं चलेगा। मैकेनिकल मूवमेंट का दूसरा कैटेगरी है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मूवमेंट में एक रोटर होता है और उस रोटर को अगर आप हाथ में पहन करके हाथ को हिलाएंगे या हाथ को घुमाएंगे तो उस मूवमेंट से रोटर एक्टिवेट हो जाता है और मेन स्प्रिंग को चलाता है। केस के बिना वॉच अधूरा है। केस वॉच बेसिकली वॉच की मेटल बॉडी है जिसके अंदर डायल होता है। केस से जुड़े होते हैं लग्स। जब भी आप नया वॉच खरीदें वॉच के लग टू लग का साइज ज़रूर नोट कर लें ताकि अगली बार आपको जब बेल्ट रिप्लेस करवाना हो तो आसानी से रिप्लेस हो जाए। आपके घड़ी का बेल्ट जो आपके घड़ी को कलाइयों से बांधे रखता है। स्ट्रैप्स दो तरह के होते हैं, पहला लेदर या रबर स्ट्रैप या नेटो स्ट्रैप और दूसरा मेटालिक स्ट्रैप, इसे हम मेटालिक ब्रेसलेट भी कहते हैं। स्ट्रैप्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर आगे चल करके हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। डायल वॉच का चेहरा है। एक बेस प्लेट है जिस पे इंडिकेशंस होती हैं और जिसको हम लोग क्रिस्टल ग्लास के थ्रू देखते हैं। डायल की बात हो गई, अब बात करेंगे उस कांटे की जो हमें टाइम दिखाता है। इस कांटे को कहते हैं हैंड्स। जनरली वॉचेस में थ्री हैंड्स या तीन हैंड्स होते हैं जो हमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स दिखाते हैं, पर कुछ GMT वॉचेस में चार हैंड्स होते हैं क्योंकि उसमें दो कंट्रीज का टाइम दिखता है या दो टाइम जोन्स का टाइम देख पाते हैं। अगर आपके पास भी कोई GMT वॉच है तो कमेंट में मेंशन करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेजल्स, जैसे मोबाइल फ़ोन में बेजल्स स्क्रीन को पकड़ के रखते हैं वैसे ही वॉचेस के बेजल्स क्रिस्टल ग्लास को पकड़ के रखते हैं। कुछ वॉचेस में ये बेजल्स रोटेट होते हैं और कुछ में स्टेशनरी रहते हैं। क्राउन, क्राउन को अपने यहाँ घड़ी की चाबी कहते हैं। क्राउन वॉच का सेटिंग बटन है। ये नॉर्मली 3 o'clock पोजीशन पे या 4 o'clock पोजीशन पे होता है। इसका काम घड़ी का टाइम सेट करना या डेट सेट करना होता है। मैकेनिकल वॉचेस में यह मैनुअली हैंड वाइंड करने में यूज़ इस्तेमाल होता है। लूमिनेसेंस या लूम, रेडियम कलर की लाइट है जो रात के अंधेरे में आपको टाइम दिखाती है। एक्चुअली ये ग्लो होने के लिए इस पे नंबर्स पे या डायल पे फोटोलुमिनेसेंट पिगमेंट का कोटिंग किया जाता है। केसबैक वॉच की पिछली तरफ होता है, इसको खोल करके आप अंदर के मैकेनिज्म को देख सकते हैं। मैकेनिकल वॉचेस में ये केसबैक ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कि आप अंदर की मूवमेंट को देख सकते हैं। इंडाइसिस डायल के एज पे बनी हुई छोटी छोटी मार्किंग्स है जो आपको आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स का दिखाती है, इंडिकेशन दिखाती है। विंडो, डेट देखने के लिए जो वॉच पे छोटा सा कटआउट बना होता है जिस पे आप डेट, दिन या महीना देख सकते हैं, उसको विंडो या अपर्चर कहते हैं। सब डायल्स या क्रोनोग्राफ, मिनी डायल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम एलिमेंट को दिखाते हैं, जैसे कि मिनट्स, टाइम लैप्स, 24 आवर टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रोनोग्राफ्स के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए पुशर्स का यूज इस्तेमाल किया जाता है। पुशर्स क्रोन के अलावा बटन्स हैं जिनके हेल्प से हम लोग क्रोनोग्राफ फंक्शन को सेट या रिसेट कर सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। कोशिश यही है कि वॉच लवर्स की कम्युनिटी को इंडिया में आगे बढ़ाया जाए। आपके टाइम के लिए शुक्रिया और प्लीज़ सब्सक्राइब।